हजरत गिरामी तकरीर के लिए मैं आबिस आफरीन बाप का नाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अबरार अहमद साहब मिजबाही को दावत सुकून दे रहा हूँ। खुलूस-ए-इश्क़-ए-मोहब्बत में जाम लाई हूँ बसत खुलूस-ए-बसत-ए-एहतराम लाई हूँ। कबूल कीजिए तोहफा बड़ा ही अनोखा है, क्या कबूल कीजिए तोहफा बड़ा ही अनोखा है। मैं अपने सरजमीन अल-उलूम गौसिया एजुकेशन सोसाइटी और अल-अरबी स्कूल से ताज़ा ताज़ा सलाम लाई हूँ। अस्सलामु अलैकुम। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم على حضرة عظيم البركة إمام أحمد رضا خان فاضل بريلوي عليه رحمة عقيدت की जुबान से इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अभी नसद होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी नसद होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। हजरात मेरी तकरीर सुनने और सुनाने से पहले एक मरतबा सब मिलकर झूम झूम कर दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلاه وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم। जल्ला जलालहू ने अपने बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में बहुत से अम्बिया रसूलों को भेजा है, लेकिन हमारे परवरदिगार आलम ने हर नबी को नई नई अनोखी और निराली शान अजीब गरीब मुअज्जात अता फरमाए। किसी नबी को हुस्न जमाल दिया तो किसी को जाहो जलाल, किसी को सल्तनत और मुल्क और माल बख्शा, किसी को जुदो नवाज इल्मो हिकमत लाजवाब से माला माल कर दिया। लेकिन नबी आखिर जमा खातिम पैगम्बर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खाक दाने कलम में भेजा तो ऐसी अनोखी शान बान देकर भेजा कि तमाम अंबिया और मुसलीन की कमालात और मौजज़ात एक ज़ात बाबरकत ने अता फरमा दिए हैं। किसी ने खूब कहा है कि खुदा ने एक ही मोहम्मद से दे दिया सब कुछ, खुदा ने एक ही मोहम्मद से दे दिया सब कुछ, करीम का करम बेहिसाब क्या कहना। एक बार मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। बल्कि बेशुमार फजाइल और मुहसिन अता फरमाए कि जिनके अजमत और रिफात तक किसी का वहम और गुमान नहीं पहुंच सका। उसने जमाल जाहो दलाल मुल्को माल गजर के हर एक कमाल उनको बख्श दिया। फिर लुत्फ ये कि हर कमाल बल्कि बेशुमार फजाइल और मुहसिन अता फरमाए कि जिनके अजमत और रिफात तक किसी का वहम और गुमान नहीं पहुंच सका। उसने जमाल जाहो दलाल मुल्को माल गजर के हर एक कमाल उनको बख्श दिया। फिर लुत्फ ये कि हर कमाल में मिस्र बना कर भेजा। वो सैयदुल मुरसलीन भी है और रहमतुल्लिल आलमीन भी है और ताहा यासीन भी है और बशीरुन नज़ीर भी है और सिराज मुनीर भी है। हाँ ये वही रहमतुल्लिल आलमीन है जो सारी कायनात के लिए रहमत है। गोया खुदा ये फरमाता है ए बंदे मैं रब्बुल आलमीन और मेरा महबूब रहमतुल्लिल आलमीन है, यानी जहाँ जहाँ मेरी रबूबत है वहाँ वहाँ मेरी महबूब की रहमत है। फतेह गाजी पुरी ने क्या ये खूब कहा है, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर की रहमत बेपना रहमत है, उनकी रहमत के बारे में क्या कहना। आइए मजीद वजाहत के लिए आगे चलूं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहाँ खूब सारी उम्मतों से दुनिया वालों को नवाजा है, वही अपने मानने वालों को भी अपनी रहमतों का दर्श दिया है जिससे उनकी दायरा का वसीकतर पाया जाता है। सालहीन इस्लाम के दिल में जो रहमत और मुसरत का मजा है और उनके अमल में जो रहम करम का जलवा है वो रहमत आलम का सदका तफी है, बल्कि बिलवास्ता रहमत आलम का सदका तफी है। आइए तारीख का मुताला किया जाए। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबुवत का ऐलान करने गए तो कुफ्फारे मक्का ने आका की नबुवत पर इंकार करते हुए कहा कि जब खुदा का नबी भेजना ही था तो मक्का के किसी बड़े सरदार, कुरैश के किसी बड़े
जागीरदार ताइफ के किसी बड़े सरमायादार को नबूवत अता करता। आखिरकार ये नबी कैसे हो सकता है जो रहता है खस्ता मकान में, सोता हुआ लेटता है फटी हुई चटाई पर और बैठता है खजूरों की चटाई पर और दावा कराता है सारी कायनात के लिए नबी होने का, इसलिए वो कहते हैं अगर ये नबी होते तो इसके पास सोने और चांदी के खजाने होते, लाला जवाहरात के ढेर सारे उमदा महलात होते। बढ़ गया तो फिर खुदावंदी ने पुकार कर कहा, ऐ रेशमी लिबास और उमदा महलात में तलाश करने वालों, मेरे नबी की नबूवत को देखना चाहते हो तो किसी लाचार के बेटे को देखो, और अगर मेरे नबी की नबूवत को देखना चाहते हो तो किसी यतीम के टूटे हुए दिल को देखो, और अगर मेरे नबी की नबूवत को देखना चाहते हो तो किसी बेकसा और बेसहारा को देखो, और अगर मेरे नबी की नबूवत को देखना चाहते हो तो किसी आलिम के इल्म को देखो। लिहाजा मैं तो यही कहूँगी की जिसको अल्लाह ताला ने ताकत वो कुव्वत देकर उस जहाँ भेजा है उसके मन मुकाबिल कौन आ सकता है। आखिरकार आंसू से भीगी हुई आंखों ने देखा तो उसे भी हर तरफ मौजूदा तरफ याफ्ता ही नजर आई। जब हसरत भरी निगाह मदीने की तरफ नजर जमाई किया तो क्या दिखाई दिया, जमीन आसमान का मालिक कौन और मक्का का शहंशाह एक हंसता हजरे में खजूरों की फटी हुई चटाई पर बैठकर पेट पर पत्थर बांध कर दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा हकीन मिस्कीन अलअमतीन मिस्कीन अलअश्रनी फिजुमतिल मसाकीन, यानी ए अल्लाह मुझे मिस्कीन है मैं जिंदा रखना, मिस्कीन है मैं मौत अदा करना, मिस्कीन है कि गिरवा में उठा लेना। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि ए अल्लाह आप कौन और मक्का दो जहां शहंशाह होकर ऐसी दुआ करते हैं, तो फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि गरीब और मुस्किन लोग अमीरों से 40 बरस पहले जन्नत में जाएंगे, तो फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल फख्र फखरी यानी अल फख्र फखरी हजरत, मैं अपनी तकरीर को यहीं से खत्म करने जा रही हूँ। आखिर मैं इतना जरूर कहूँगी कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें और पांचों की नमाजों को पाबंदी सजा करें और खुद भी कुरान की तालीम सीखे, आने वाली नस्लों को कुरान की तालीम का रास्ता करें। तकरीर सुनने और आप लोग के सुना मैं तकरीर सुनाने आप लोग के सुनने में जो भी गलती हुई आए इस्तगफार किया जाए, पढ़िए तौबा अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाथों में लेके आई थी इश्क रिसालत का चिराग, हाथों में लेके आई थी इश्क रिसालत का चिराग, जमाना रहेगी तो दोबारा फिर मिलूंगी। उमा इलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।